भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में रविवार सुबह पदयात्रा निकालकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से अपने प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता को जीत दर्ज कराने को लेकर अपील की। साथ ही लोगों ने कहा कि 2019 के तर्ज पर 2024 में भी निरसा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मौके पर भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने लाल झंडा पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल झंडा ने निरसा में उद्योग धंधे बंद कराने का काम किया है, जिससे यहाँ के युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि निरसा के साथ साथ झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का काम करे। भाजपा जैसे ही सरकार में आएगी, सबसे पहले बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी, साथ ही पूरे राज्य में उद्योग धंधा चालू कराने का भी काम करेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, कमल फूल में वोट दो, जीतेगी भाई जीतेगी, कमल छाप जीतेगी, अरे कमल छाप में वोट दो, फूल में वोट दो।